लास्ट क्लास में अभी अपन एक कॉमन टॉपिक बनाया स्क्वायर्स, ठीक है। इसके बारे में अपन ने लास्ट क्लास में आपको बताया था, बड़ा था बाकी तक के स्क्वायर्स कैसे निकाला जाता है, बाकी तक के स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, वो अपन ने निकाले थे, ठीक है। तो एक बार अपन वापस को रिकॉल कर लेते हैं, फटाफट मैगज कर लेते हैं स्क्वायर को, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर जैसे 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100 होता है, ठीक है। तो उसके बाद में 11 से 20 तक में 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, 18 का स्क्वायर 334 होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, ठीक है। तो यहाँ तक के जो स्क्वायर थे वो अपन ने लास्ट क्लास में इसको पढ़ा था, ठीक है। अब इसके आगे अगर तुम लोग बात करते हैं तो 21 का जो स्क्वायर है वो क्या जाएगा आपका 21 into 21, ठीक है। 21 को नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर में क्या होता है, 18 नंबर खुद से दो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, प्राइस है। तो 21 into 21 कितना जाएगा 441, 22 को कितना जाएगा 22 into 22 484, ठीक है। 23 का कितना जाएगा 23 into 23 549, ठीक है। नेक्स्ट 24 का है, ठीक है, तो 24 कितना जाएगा 24 into 24 यानी 576, ठीक है। 25 का है तो 25 into 25 यानी 635 हो जाएगा। 26 का 26 into 26 होती कितना हो जाएगा 676 हो जाएगा। 27 का आपका 27 into 27 होती 729 हो जाएगा। 28 का आपका 28 into 28 होगी 784 हो जाएगा। 29 का आपका 29 into 29 होगी 841 हो जाएगा। 30 का आपका 30 into 30 होगी 900 हो जाएगा। ये तो आसान होता है, सबसे इसमें क्या है 100 वाले में 9111 डबल जीरो होते थे, 2024 में डबल जीरो, 2029 में डबल जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो वाले स्क्वायर निकालना आसान होता है, इसमें जीरो डबल हो जाता है और नंबर अपना आपको मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। आप पर कुछ रॉन्ग फिगर नंबर जो होते हैं 100 तक के, ठीक है, उनके लिए स्क्वायर देख लेते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं 35 को, 35 का जो स्क्वायर है कितना हो जाएगा 35 into 35 1225, ठीक है, 1225 स्क्वायर बाय 25 हो जाएगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पे एक होती है ऐसे नंबर जिनकी यूनिट प्लेस पे क्या होता है टाइप होता है, ठीक है। तो उनके जो स्क्वायर निकालने के लिए ट्रिक होती है क्या होती है, जैसे 35 है, ठीक है, ये यूनिट प्लेस पे क्या है 5 का स्क्वायर हमेशा क्या आएगा 25 आएगा, उसको लिख लो यहाँ पे, ठीक है, पहले इधर राइट साइड में, ठीक है। उसके बाद में जो यहाँ पे टेंथ प्लेस पे जो नंबर होता है, ठीक है, उस टेंथ प्लेस के नंबर का अगला जो नंबर आता है टेबल के अंदर, ठीक है, कॉन्जुगेटिव पार्टिकल का जो नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 का अगला नंबर क्या होता है, वो उसी को से कितना जगह 10, ठीक है, 3 का आपको इसके आगे पुट करना है, ठीक है, 25 तो नंबर क्या हो जाएगा आपका 1225 जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 40 का निकाल के 40 कितना जाएगा 40 into 40 यानी 1600 45 का इसे फिर से करते हैं तो 5 5 25, 4 का अगर नंबर 5 का तो 4 5 20, ठीक है, 11 जाएगा। फिर 50 का निकाल के तो 5 5 25 0 0 का 0 जाएगा यानी 2500 जाएगा। 60 का निकालेंगे तो 6 6 36 0 का 0 यानी 3600 हो जाएगा, 3600, ठीक है। उसके बाद में 70 का निकालते हैं तो 70 का क्या जाएगा 7 7 49 0 0 0 का 0 जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4900 या 3900, ठीक है। फिर 80 का निकालेंगे तो 8 8 64 0 का 0 6400 6400, ठीक है। 90 का निकालेंगे तो 9 9 81 0 का 0 जाएगा 8100 8100 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 100 का निकालेंगे तो कितना जाएगा 100 100 यानी 10000, ठीक है, यहाँ पे 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है, 00 के तो उसके 4 जीरोज हो जाएंगे, मतलब जितने भी जीरोज हैं उसको प्राइस करना है आपको स्क्वायर में बात करना है, ठीक है, और क्यूब्स में प्राइस करते हैं, ठीक है, फिर आपका 10000 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक के जो स्क्वायर्स है अपने पहले तो क्या है कि टॉपिक के अंदर सबसे पहले अपने पढ़ा कि स्क्वायर्स क्या होता है, ठीक है, तो आपने ये देख लिया, ठीक है, जैसे 21 से लेकर अभी तक के तक से तो क्लियर है, बस कुछ राउंड फिगर्स के लिए निकालना है, ठीक है। तो ये सारे आपको क्या करना है प्रैक्टिस करके मल्टीप्लाई करके एक बार खुद निकाल के देखो आंसर्स को, ठीक है, और उसके बाद में इनको बार 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 रिवाइज करो रिकॉल करो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है आपका एक्सपोनेंट पावर्स है, ठीक है, या आपकी ज्योमेट्री के अंदर स्क्वायर्स वगैरह निकाल रहे हैं सॉलिड्स निकाल रहे हैं, ठीक है ना, जहाँ पे भी इसके एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है, वहाँ पे काम आता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको अगर याद रहेगा तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो जाएगी, ठीक है, और एक्यूरेट भी रहेगी, ठीक है, इससे आपको स्क्वायर याद रहना चाहिए। इसके बाद में हम इसी टॉपिक के अगर बात करें तो इसमें जो आगे जाएंगे तो पहले ये देखेंगे कि कौन से नंबर जो होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ठीक है, यूनिट डिजिट देख के आप कैसे पता लगा सकते हो कोई नंबर स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है, प्लस अगर कोई बड़ा नंबर आता है तो उसके स्क्वायर्स कैसे निकालना है, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद में इसका एस्टिमेशन भी देखते हैं, ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें जो होती है और स्क्वायर रूट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी अपन इसके अंदर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के
ये इससे याद भी करने क्या है, जितने भी स्क्वायर्स आपको दिए हैं 30 वो अच्छे से इसको याद कर लो, राइट डाउन करके, ठीक है, लिख के याद करोगे तो अच्छे से याद रहेगा आपको, ठीक है।